तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अदर व्लॉग। ये अपने बिजनेस को जो बंदा जो है ना वक्त के साथ अपने आप को बदलता नहीं है ना, अपग्रेड नहीं करता, वो जो है ना इन फ्यूचर जो है वो डिमोलिश हो जाता है, वो नाकाम हो जाता है, वो जिंदगी की दौड़ में जो है ना आगे तक नहीं चल पाता। क्या बात कर रहे हैं बाबा, वक्त के साथ साथ जो है ना आप अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करते, वक्त के साथ आप बदलते नहीं है खुद को, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, तो आप जो है ना वो नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो है ना अपने आप को उस मकाम तक बरकरार नहीं रख सकते। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। इसकी मैं आपको मिसाल जो है ना वो दे दूं कि जैसे कि हम देख रहे थे कि हमने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि जब ये न्यू मोबाइल फोन आए थे 2000 के बाद 2005 के राउंड अबाउट जो है ना जब शुरू हुए थे ये, तो ज्यादातर जो मोबाइल फोन थे ना वो सोनी एरिक्सन हो गया, मोटरोला हो गया, नोकिया हो गया, सबसे ज्यादा जो चला पैनासोनिक वगैरह वगैरह, ये चार पांच ही कंपनियां थी जो मोबाइल फोन जिनके बड़े ज्यादा जो है ना वो चल रहे थे कि ट्रेंडिंग में थे, बड़े शौक से लोग रखते थे और उनके बड़े फीचर्स हुआ करते थे। बात तो सही है। और आज वो कंपनियां कहाँ हैं? आज वो जो है ना कहीं पर भी हमें नजर नहीं आ रही। वो जस्ट आप मार्केट विजिट करने जाए ना, जब आपको मार्केट में कोई उनका वो सैंपल मिलते हैं, लेकिन वो किसी के यूज में नहीं है। अब नोकिया जो है देख लें, वो सबसे टॉप पे थी और आज वो सबसे ही नीचे है। क्यों? उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया टाइम के साथ। उससे पहले दूसरे लोगों ने अपने आप को उनसे बेहतर रिप्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने, तो लोगों ने सबको दूसरी कंपनी जो है ना उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो वो पीछे रह गए। मोटरोला भी पीछे है, नोकिया भी पीछे है, और सोनी एरिक्सन वगैरह तो वो तो है ही नहीं है ना, इस तरह की चीजें, इस तरह की कंपनियां तो किसी खाते में नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मजीद इन फ्यूचर मेरी इस तरह की वीडियो से आपको मोटिवेशन भी मिलती रहे और आपको इंटरटेनमेंट भी मैं प्रोवाइड करता रहूं, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना आप लोगों का फायदा है, वो चाहे इंटरटेन करके करूँ या आपको कुछ सिखा के करूँ, दो चीजें ही आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर, ठीक है। तो गाइज अब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।